नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के स्पेशल सेशन में। आज हम चर्चा करेंगे अपने संसद की। हम समझेंगे कि हमारा संसद जो है वो कैसा है, इसकी संरचना किस प्रकार से है, पूरी ईच एंड एवरी डिटेल्स उसके बारे में है, संसद के कितने अंग हैं, पूरी बातें हम समझेंगे। तो बिल्कुल आप सेशन के लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ। तो जहाँ तक संसद की बात है, पार्लियामेंट की बात है, तो इसमें आप ये समझें कि जो संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है, जहाँ से कानून पास होते हैं, कानून अस्तित्व में आते हैं, वो हमारा संसद है। यानी कि कानून निर्माण की प्रक्रिया वगैरह जो होती है, विधायी अंग है ये संसदीय प्रणाली, जिसे सरकार का जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। इसको अपनाने के कारण जो भारतीय जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है इंडिया का, उसमें संसद का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है। और संविधान के पांचवें भाग के अंतर्गत बात करें, देखो संविधान क्या है, आत्मा है एक तरह से, संविधान के आधार पर ही सब कुछ संचालित हो रहा है। तो संविधान के अगर पांचवें भाग के तहत हम बात करें तो अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के जो गठन है, जो उसका एक तरह से फॉर्मेशन है, उसके बाद हम फिर बात करें संरचना है, उसका स्ट्रक्चर है, अवधि है, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि के बारे में, सभी के बारे में डिटेल्ड से बताया गया है। अब संसद के गठन की बात करते हैं तो संविधान के हिसाब से देखें तो संसद के तीन भाग हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये तीन भाग हैं और इसमें अगर देखें हम कि राज्यसभा है, लोकसभा है और राष्ट्रपति है। प्रायः आप सब सुनते हैं कि लोकसभा से कोई बिल पास हुआ फिर ये राज्यसभा में जाएगा, वहाँ से पास होगा, फिर ये कानून की शक्ल लेगा वगैरह वगैरह आप सुनते रहते हैं न्यूज़ में। तो आप समझो यहाँ पर कि 1954 में राज्य परिषद और जनता का सदन, इन दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया गया और क्रमशः इनके स्थान पर राज्यसभा और लोकसभा शब्द को अपनाया गया। राज्य परिषद के स्थान पर अपनाया गया ये राज्यसभा को और जनता का सदन शब्द के स्थान पर अपनाया गया लोकसभा को। राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा हमारा जो निचला सदन कहलाता है, इसे आप निम्न सदन भी कह सकते हैं। राज्यसभा में जो होते हैं वो ऐसे प्रतिनिधि होते हैं जो सीधे निर्वाचित नहीं होते हैं, ये राज्य व आपके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ के प्रतिनिधि होते हैं। लेकिन लोकसभा जो है वहाँ पे हमारे द्वारा जो निर्वाचित सांसद होते हैं वो जाकर बैठते हैं। और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो कि आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, आपको आपने यहाँ पर देखा कि राष्ट्रपति जो है न तो वो संसद का सदस्य होता है, न ही वह संसद में बैठता है, लेकिन वो फिर भी वह इसका महत्वपूर्ण अंग होता है। तो डेफिनेटली आपके मन में यह प्रश्न जरूर उठेगा कि ऐसी क्या बात है राष्ट्रपति में कि उनकी इतनी बड़ी भूमिका है। उनकी इतनी बड़ी भूमिका इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति जो है वो संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक हो, जब तक उस पर अपनी स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो विधेयक विधि नहीं बनेगा, वो कानून नहीं बनेगा। तो जब दोनों सदन जो हैं हमारे, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, विधेयक को पास कर देते हैं, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती ही है। अगर वो स्वीकृति नहीं मिलेगी तो वो कानून नहीं बनता, इसलिए राष्ट्रपति की भूमिका महती है। हमने यहाँ पर राष्ट्रपति की भूमिका को समझ लिया किस प्रकार से इंपोर्टेंस है उसका। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि राज्यसभा की संरचना क्या है। देखो राज्यसभा की जो अधिकतर संख्या है, जो मैक्सिमम जो मेंबर्स हैं वो 250 हो सकते हैं, इतनी निर्धारित की गई है। और इनमें से 238 जो मेंबर्स हैं वो राज्य से होंगे एवं जो यूटी हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, वहाँ से होंगे। वहीं 12 सदस्य जो होंगे उनका मनोनयन जो होगा, नॉमिनेशन जो होगा, वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देखें 238 + 12 = 250, 250 हो गए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो यूटीज के प्रतिनिधि होंगे या फिर राज्यसभा राज्य से जो प्रतिनिधि होंगे, ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे, ये जनता इन्हें निर्वाचित नहीं करती है। और वर्तमान में आप देखो कि राज्यसभा में जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 245 है, इनमें से 229 सदस्य जो हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहीं जो 4 हैं वो संघ राज्य क्षेत्र यानी कि यूटी से आते हैं, और 12 जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। और संविधान की जो चौथी अनुसूची है उसमें राज्यसभा के लिए जो राज्य व संघ राज्य और जो यूटी है उसमें सीटों के आवंटन का वर्णन वगैरह किया गया है। अब इसके बाद हम लोकसभा की संरचना को समझते हैं। हमने राज्यसभा को समझ लिया, राष्ट्रपति की भूमिका को समझ लिया, अब हम लोकसभा की संरचना को समझते हैं कि लोकसभा के में जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं जो होंगे वो 550 निर्धारित है, 550। इनमें से जो 530 सदस्य होंगे वो राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, कहने का मतलब जो आप जिन सांसदों को चुनते हैं वो सांसद जाकर आपको वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं, आपके MP वहाँ बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। वहीं जो 20 सदस्य होते हैं ये संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं, यानी यूटी से ये चुन के आते हैं। तो कुल मिलाकर हो गए 550। वर्तमान में बात करें
कि इनकी संख्या कितनी है, तो लोकसभा में जो संख्या है वो 543 है, इनकी एक तरह से सदन की सदस्य संख्या जो है लोकसभा की है ना, दो सदन है ना, राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा की हमने बात कर ली, एक जो दूसरा हाउस है यानी कि लोकसभा उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें 543 है। अब 530 जो इसमें मेंबर्स हैं वो हैं राज्यों से, और जो 13 जो हैं वो यूटी से हैं। तो अभी आज के सेशन में हमने चर्चा की लोकसभा क्या है, राज्यसभा क्या है, इसकी संरचना किस प्रकार से, हमारा पार्लियामेंट क्या है, हमारा संसद क्या है, और राष्ट्रपति की भूमिका क्या होती है। तो कुछ हद तक थोड़ा ब्रीफ एनालिसिस हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे बढ़ेंगे और भी डिटेल से इन बातों को समझेंगे और भी तह तक जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।